मॉर्निंग, मैं महिमा आपके सामने आज बच्चों लेकर आई हूँ प्रैक्टिस अभ्यास कार्य। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पिछले 3 वीडियो दे चुकी हूँ, पिछले 3 क्लासेस दे चुकी हूँ। किस किस की मैं दे चुकी हूँ? एक क्लास दे चुकी हूँ मैं आपको जिसमें मैंने आपको सिखाया लिंग, वचन और काल। दूसरी वीडियो में आपको दे चुकी हूँ, दूसरी क्लास में आपको दे चुकी हूँ जिसमें मैंने बच्चों आपको सिखाया है संज्ञा और सर्वनाम। तीसरी क्लास मैंने क्रिया की डाली थी, राइट। अब 3 क्लासेस के बाद अभी हमारे टॉपिक्स और भी बचे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ उन टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दी जाए, ताकि आपको समझ आए कि जिन टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, जो टॉपिक हम सीख चुके हैं, वो कैसे यूज में आएंगे और कैसे हमारे साथ काम करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चंस बन के आएंगे। और आपके पास जो टॉपिक है बच्चों, आप सभी जानते हैं जो आपके पास ये टॉपिक आया हुआ है वो क्या है? हिंदी भाषा का संस्कृत अनुवाद है, हिंदी भाषा से संस्कृत में अनुवाद। एक ये है, हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। ये हिंदी सेंटेंस देखिए लिखे हुए हैं बच्चों, और हम आपको संस्कृत में इसका अनुवाद करना सिखाएंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है अशुद्धि संशोधन, यानी जो आपके पास संस्कृत में वाक्य बने हुए होंगे उसमें कुछ अशुद्धियां होंगी, कुछ गलतियां होंगी, वो आपको राइट करनी होगी। ओके, तो दोनों का मैं अभ्यास कार्य करवा रही हूँ, और अभ्यास कार्य करने से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बच्चों, और आप आगे समझ भी पाएंगे कि हम ये 2 क्वेश्चन इतने सारे टॉपिक कर चुके हैं, हम यूज किस तरह से करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं, अभ्यास करना शुरू करते हैं। और मैं अभ्यास में आपको करवा रही हूँ, जैसे हम सबसे पहला सेंटेंस ले रहे हैं। कौन सा सेंटेंस है सबसे पहला हमारे पास आया है कि अभ्यास कार्य है संस्कृत अनुवाद। आपको ये हिंदी का सेंटेंस है, इसकी संस्कृत बनानी है। तो वह लेख लिखता है, वह के लिए बच्चों मैंने क्या बताया था आपको? सह, आपको आपने सीखा हुआ सह। अब सह, सह भी लिखते हैं, और देखो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, वह के लिए हमारे पास सह भी आता है, सा भी आता है, तक भी आता है। अब आप पहचानेंगे कि इसमें कौन सा पुल्लिंग में हम इसमें कौन सा लगेगा, क्या लगेगा, सह लगेगा, सा लगेगा या तत् लगेगा। अब देखिए बच्चों, ये जो है वह, ये जो आपके पास ये जो वह है, वह पुल्लिंग का है। हमने कैसे पहचाना ये वह पुल्लिंग का है? क्योंकि लिखता है, इसकी क्रिया से हमें पता चल रहा है कि वह जो है पुल्लिंग में है। वह अगर वह लिखती है, स्त्रीलिंग लिखती है, अगर हमारी क्रिया बताती है कि स्त्रीलिंग है तो, और शब्द तो आपको पता ही है कि वह अगर चेयर के लिए आता वह, कोई कुर्सी के लिए आता तो हम वह क्या लगाते, नपुंसक लिंग के लिए वह आता तो हम नपुंसक लिंग लगाते, वह के लिए हम नपुंसक लिंग लगाते। अब हमारे पास बच्चों ये क्या है, वह पुल्लिंग का है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, हम इसका आंसर देंगे, इसका आएगा सह, राइट, सह। अब लेख को तो फिलहाल लेख को ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी कि हमने लेखम क्यों लिखा, फिलहाल आप इसे लिख लीजिए। हम पहले यहाँ पे कर्ता और क्रिया को देख रहे, राइट, सह लेखम। अब वह आपने पिछली कक्षा में सीखा था, वह जो है प्रथम पुरुष है, और हमने जो आपको रूप सिखाए थे वो सिखाए थे। अब देखिए ये लिखता है जो है क्या है, लिखता है वर्तमान काल है, और वर्तमान काल के लिए आपके पास रूप कौन से हैं, लट लकार सिखाए थे बच्चों, तो जो लट लकार है उसका प्रथम पुरुष और एक वचन में। पिछली कक्षा में आपने सीखा था कि वह जो है प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, उसका लेखम, और प्रथम पुरुष एक वचन में हमने क्या सिखाया था, पठती, पठतः, पठन्ति। तो अब लिखता है के लिए क्या आ जाएगा, वह एक वचन है तो लिखता, लिखत। आपको जैसे मैं एक आपको लिख के भी दिखा देती हूँ बच्चों, यहाँ पे इन रफ में आपको लिख के दिखा देती हूँ कि हम क्या करते हैं, पठती, मैंने लिखवाए थे पिछली कक्षा में, पठतः, पठन्ति, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये पठसि, पठतः,
पठत। पठामी पठसी पठत पठत पठामी पठाव पठाम ना। ये आपका है प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, ठीक है। और यहाँ पे आपका आएगा एकवचन, द्विवचन और ये बहुवचन, राइट। अब देखिए, अब आपने और आपने मैं एक चीज और भी आपको यहाँ सिखा देती हूँ, क्योंकि वो मैंने पिछली कक्षा में सिखाए थे। अब मैं आपको एक चीज और सिखा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। और मैंने सिखाए थे पुरुष, पुरुष कैसे सिखाए थे, है ना। पुरुष में मैंने सिखाया था सह सा और तत्, है ना, सह तौ और यहाँ पे आया था ते और यहाँ पे भी आया था ते, है ना। और सह सह सा तत् तौ ते ते और बच्चे, या देखिए आप कहीं फिर कंफ्यूज ना हो जाए, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं जैसे मैंने पिछली कक्षा में सिखाया था मैं वैसे ही आपको लिखना सिखाती हूँ। क्योंकि बच्चों कभी कभी क्या होता है, जब हम दूसरे वे में लिखना शुरू करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे बचने के लिए मैं आपको सिखा रही हूँ। मैंने आपको क्या सिखाया था, इसमें पुरुष में क्या सिखाया था मैंने, सह तौ और ये ते, और फिर यहाँ पे सा ते सहा और यहाँ पे सिखाया था तत् ते सानी, ओके। ये आपका ये हुआ प्रथम पुरुष, है ना। और मध्यम पुरुष हमने क्या सीखा था, मध्यम पुरुष हमने सीखा था तौ सॉरी त्वम युवाम युयम, फिर सीखा था उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम, ठीक है। तो हमने मैंने आपको पिछली वाली कक्षा में सिखाया था कि हम कॉम्बिनेशन मिलाते हैं, अगर हमारा प्रथम पुरुष, देखिए ये भी प्रथम पुरुष है और इधर भी प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है इधर भी मध्यम पुरुष है और ये नीचे उत्तम पुरुष ये उत्तम पुरुष, तो हम ये कॉम्बिनेशन मिलाएंगे बच्चों, राइट। तो आपको बात समझ आ गई होगी मेरी, मैंने ये इसलिए लिख दिए, पिछली कक्षा में भी मैंने सिखाए थे और इस कक्षा में मैंने इसलिए सामने रखे हैं ताकि आप सीख सको। तो देखिए, वह जो हमारा आया था, हमारा आया था प्रथम पुरुष में, तो वह हमारा प्रथम पुरुष में आया है सह, तो सह के लिए हम क्या लगाएंगे, पठती, हमने एक बेस धातु को लेके चले बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखती, स लेखम लिखती, राइट। अब जैसे वे सब गांव को जाते हैं, वे सब गांव को जाते हैं, बहुवचन है वे सब। अब हो सकता है वे पुल्लिंग भी हो और वे स्त्रीलिंग भी हो, तो हम दोनों में से वे सब में हम ते भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ, अब आगे मैं दिखाती हूँ आपको बच्चों, आगे में वे सब, अब ये सा तौ ते, तो हमें बहुवचन लिखना है क्योंकि वे सब आया, तो ते भी लिख सकते हैं और ताह भी लिख सकते हैं। अब वे सब स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं और वे सब पुल्लिंग भी हो सकते हैं, वे सब गांव को जाते हैं, गांव को जाते हैं, है ना। यहाँ पे है बच्चे बिंदी आएगी, है ना, वे सब गांव को जाते हैं। तो अब आप बताइए, हम ते लिख देते हैं, एक काम किया करो बच्चों कि जब कोई भी कॉमन चीज लगती है कि ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है ये पुल्लिंग भी हो सकता है, तो पुल्लिंग लेके चला करो, क्योंकि हमें थोड़ा पुल्लिंग करना आसान हो जाता है। तो हम चलते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ते, ते
गांव को ग्रामम। ये मैं बच्चों आपको बाद में सिखाऊंगी, जब मैं दूसरी कक्षा लूंगी, क्लास लूंगी, उसमें सिखाऊंगी ते ग्रामम। और अब जाते हैं, बहुवचन है, जाते हैं बहुवचन है, तो स का बहुवचन क्या होगा? स का हमने लगाया ते, तो ते का बहुवचन हमारे पास यहाँ क्या आया हुआ है? प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या है? पठंती। तो ये क्या आ जाएगा? ते ग्रामम। जाने को क्या बोलते हैं बच्चों? गम। मैंने अभी सिखाया था तो गच्छन। रूप मैंने आपको बोला था, आपको बोला था बच्चों रूप आपको सीखने होंगे, बिना रूप के आप, अब आपको जब तक धातु रूप नहीं सीखेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये जाते हैं को गम धातु बोलते हैं, और गम के रूप कैसे चलते हैं? गच्छति गच्छत गच्छन्ति। तो हमने यहाँ पे बोल दिया, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट में बताते हैं हम सब पाठ को पढ़ते हैं। अब हम सब देखिए बच्चों कौन सा आया है, हम सब क्या है? अब हमारे पास जो हम सब आया है वो देखिए ये क्या आया है, ये हम सब, अहम, हमें, हम दो, हम सब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हम सब, वयम। क्या आएगा बच्चों? वयम। तो हम यहाँ पे लगाएंगे वयम, पाठ को पाठम। ये मैंने आपको कहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी पाठम। अब पढ़ते हैं, अब आप ये देखिए जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो यहाँ देखिए ये आया है वयम, ये आया है उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो यहाँ पर भी हम जो है नियम भी कौन सा लगाएंगे बच्चों? यहाँ पर उत्तम पुरुष का बहुवचन, ये भी उत्तम पुरुष का बहुवचन है वयम, हम सब। और ये भी क्या हुआ आपका, यहाँ पे आएगा पठाम, है ना। अब हम पढ़ते हैं, हम सब पाठ को पढ़ते हैं, तो ये पढ़धातु ये, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? पठाम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट आया है तुम क्या खाते हो, तुम। अब कौन सा हमारे पास आया? ये मध्यम पुरुष आया है तुम, है ना। तो ये मध्यम पुरुष है तुम, तो तुम के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? तो हम क्योंकि एक ही बोला है तुम, एक जने के लिए पूछा है, तो त्वम। क्या को बोलते हैं बच्चों? किम, त्वम किम। अब खाते हो, खाते। अब खाने की कौन सी धातु है बच्चों? खाद। और खाद के रूप खाद है और तुम है, ये मध्यम पुरुष एक वचन। ये देखिए बच्चों क्या है, ये है हमारे पास मध्यम पुरुष एक वचन। तो हम यहाँ का भी मध्यम पुरुष एक वचन देखेंगे, तो क्या आ जाएगा? त्वम खादसी। तो अब पठसी है तो क्या आ जाएगा? त्वम किम पठसी के लिए क्या आ जाएगा? खादसी। रूप कैसे चलते हैं? बिल्कुल सेम चलते हैं, तो आ जाएगा खाद। ठीक है, क्या पुस्तक पढ़, कन्या, सॉरी कन्या पुस्तक पढ़ती है, तो कन्या। कन्या का क्या होगा बच्चों? कन्या, कन्या स्त्रीलिंग है तो कन्या का कन्या ही आएगा। कन्या पुस्तकम, तो पुस्तकम। पढ़ती है, पढ़ती है का क्या आएगा बच्चों? अब पढ़ने की पढ़ धातु है तो कन्या कौन सा है? प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन में है तो पढ़ती, प्रथम पुरुष एक वचन पढ़ती। क्लियर? आगे बात बच्चों समझ में। देखिए अब मैंने आपको ये जो सिखाए हैं, ये मैंने आपको सिखाए हैं सारे कौन से दिन, वर्तमान काल में सिखाए हैं। पांचों वाक्य मैंने किसमें सिखाए बच्चों? वर्तमान काल, वर्तमान काल में, यानी लट लकार। ये कौन सा लकार है? ये है लट लकार, और इसका वर्त, ये कौन सा काल है? ये लट लकार किसमें प्रयोग होता है? वर्तमान में। ठीक है, ऐसे रूप आपको बच्चों आपकी बुक में जरूर मिलेंगे, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे अब मैं इन्हीं पांचों को सभी काल में बना करके दिखाऊंगी, हर लकार में बना के दिखाऊंगी आपको। अब देखिए वह लेख लिखेगा, अब ये किसमें आ गया आपका? फ्यूचर में, भविष्य काल में आ गया। और भविष्य काल में आपके रूप बच्चों कैसे चलते हैं? पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामि। तो अब जैसे वह लेख को, वह के लिए क्या आएगा? सह लेख को लेखम,
वह एक वचन है। देखिए अगर ये एक वचन है तो हम भी यहाँ पे इसका प्रथम पुरुष का एक वचन लगाएंगे, तो पठती है तो यहाँ पे आ जाएगा लिखती। ओके नेक्स्ट आ जाइए हम सब पार्ट। हम सब के लिए हमने क्या सीखा है बच्चों? वयम, ये किसका है? उत्तम पुरुष का बहुवचन। आप देखिए यहाँ पे ये उत्तम पुरुष का वयम, उत्तम पुरुष का बहुवचन हम सब, हम दो, हम सब, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? वयम पाठको, पाठम है ना, पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे ये उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो यहाँ पे भी हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो हमारे पास क्या है? पठामः, तो वयम पाठम पठामः, राइट। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट करते हैं तुम क्या खाओगे? तुम के लिए आपने क्या सीखा है? तुम क्या के लिए आपने सीखा है? किम तुम किम खाओगे? अब देखिए खाओगे तो ये आपका खाओगे, तुम कौन सा है? मध्यम पुरुष एक वचन, ये रहा मध्यम पुरुष एक वचन, पठसी, तो पठसी की जगह क्या आ जाएगा? खाद, खा खाद्य को क्या बोलेंगे? खादस, राइट। वे सब गांव को जाएंगे, वे सब के लिए क्या लगाया था हमने? ते, वे सब, स, तौ, ते, वे सब गांव को, ग्रामम, अब जाएंगे, गम धातु। अब देखिए यहाँ पे बच्चों गम धातु होता है, और मैंने आपको गम धातु के रूप जो सिखाए थे बताए थे वो बताया था गच्छति गच्छत गच्छन्ति। यहाँ पे देखिए गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छति गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छामि गच्छामः, है ना। और लिख जैसे हमने सॉरी हाँ अब गच्छाम, एक हमारी यहाँ गलती होगी, देखिए बच्चों वह लेख को लिखेगा, जिसका लेखम बच्चों, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? यहाँ पे वर्तमान काली लगा दिया है, स लेखम लिखति नहीं होगा, ये क्या होगा? लेखिष्यति। यहाँ पे हम जो करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ गलती हो गई हमसे, ये वह लेख को लिखेगा, लिखेगा यानी रिट लगार, और रिट लगार के रूप कैसे चलते हैं? जैसे पठिष्यति पठ्यत पठ्यन्ति, पठिष्यति पठ्यत पठ्यत, पठिष्यामि पठ्यत पठ्यामः, तो लेखिष्यामि, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? लेखिष्यामि, मैंने वर्तमान काली लगा दिया था, यहाँ पे आ जाएगा लेखिष्यामि, लेखिष्यामि। हम सब पाठ को पढ़ेंगे, देखिए पठामा नहीं आएगा, अब हमें क्या करना है? पढ़ेंगे, तो लिट लगा लगाना है, और लिट हमने क्या लगा दिया गलती से? लट लगा लगा दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या सिखाया था? पठिष्यति पठ्यत पठ्यन्ति, पठिष्यति पठ्यत पठ्यत, पठ्यामि पठ्यावः पठिष्यामः, है ना। पाठ को वयम है तो क्या आ जाएगा? पठिष्यामः, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाइए तुम किम खादसी नहीं आएगा, हमने फिर भी यहाँ पे भी वर्तमान लगा दिया है, तो हम वर्तमान की जगह क्या लगाएंगे? हम भविष्य का लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? खादसी आना है ना, तुम के साथ खादसी आना है, तो खादिष्यसि, खादिष्यसि, क्लियर। अब आगे देखो, अब हमारी हमसे क्या गलती हो गई थी? हमने यहाँ पर भी सब में वर्तमान लगा दिया था, वर्तमान नहीं लगेगा यहाँ पे, भविष्य काल लगेगा, लिट लगा लगेगा, तो लिट लगा में हमने रूप आपको बुक्स में आपको मिल रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, और इस तरह से रूप चल रहे होंगे, राइट। तो वे सब गाँव को जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर जब हमारे पास लट लगाड़ में आया था तो हमने लगाया था गच्छति गच्छत गच्छन्ति, लेकिन इसका भविष्य काल जो है रिट लकार जो है वो किसमें चलता है?
हमारा गम्य शक्ति इसका लकार चेंज हो जाता है। तो हमें आप बुक में देखोगे तो आपको लकार ये चलते गच्छते की तरह से है, लेकिन ऋट लकार जो चलता है गम्य शक्ति की तरह से चलता है। तो वे सब है तो स तऊ ते बहुवचन है तो इसका ये लगेगा पठंती तो गमिष्यन्ति। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, गमिष्यन्ति। आ रही है बात समझ में? अब नेक्स्ट आ जाइए, क्या कन्या पुस्तक पढ़ेगी? तो कन्या, कन्या के लिए हम क्या लगाएंगे, कन्या स्त्रीलिंग है तो कन्या का कन्या लगेगा, कन्या पुस्तकम पढ़ेगी। तो सा स्त्रीलिंग है, सा में आएगा और सा का प्रथम पुरुष का एक वचन, तो पढ़ेगी पठती है तो पठिष्यति है ना, लिंग उसमें लिट लकार में क्या आएगा पठिष्यति। मैं सोच रही हूँ बच्चों आपको बात समझ आ रही होगी राइट, क्योंकि आप अभी 10th क्लास में आ गए, आपको बहुत कुछ अच्छी तरह से आ गया होगा। अब ये देखिए नेक्स्ट 6 से लेकर मैंने 10 तक आपको जो सिखाए रिट लगा दी से है ना, अब हम किस में ले रहे हैं लंग लगा दी। आगे के 5 जो है 11 से 15 तक लंग लकार में ले रहे हैं और अब हमें क्या करना पड़ेगा, लंग लकार को चलाना पड़ेगा। और लंग लकार में आपने सीखा है बच्चों आ चलता है, अपठत अपठिता अपठन राइट है ना। तो उसने लेख लिखा, उसने उसने के लिए क्या आएगा सह लेखम लिखा, लिखा सह प्रथम पुरुष एक वचन है तो हमें प्रथम पुरुष का एक वचन क्या लगाना पड़ेगा, पहला वाला सबसे पहला वाला लगाना पड़ेगा, ये वाला पहला आपको इधर देखो ये पठती है, प्रथम पुरुष एक वचन लगाना पड़ेगा और प्रथम पुरुष का एक वचन के लिए क्या होता है अपठत अपठिता अपठन। तो हम क्या करेंगे सलेखम अपठत, सॉरी लिखा है तो अलिखत, लिखा है ना तो अलिखत। लिखम अलिखत, उसने उसने पढ़ा, उसने पढ़ा उसने पढ़ा एक वचन ही, उसने सह उसने सह पढ़ा पढ़ा तो अपठत पढ़ा है। तो बच्चों आपने देखा सह उसने पढ़ा पढ़ा तो प्रथम पुरुष एक वचन तो अपठत। ठीक है वे सब गांव को गए, वे सब गांव को गए, वे सब तो वे सब किसमें आएगा ते में, तो ते के लिए क्या आएगा वे सब के लिए ते, वे सब गांव ग्रामम गए गए तो जाना यानी गच गम धातु, गम धातु को गए तो यहाँ पे अपठत पठत पठती है तो अगच्छत, जैसे हमने सर के साथ अब सर के साथ अपठत लगाया ये बहुवचन है तो अपठत अपठिताम अपठन, तो ते के साथ क्या आएगा अपठन तो अगच्छन। बच्चों इस तरह से जैसे हम एक बेस धातु ले लेते हैं याद रूप एक एक करते हैं उसके साथ उसको सिमिलर करके दूसरी धातु लगा करके हम रूप बना लेते हैं, उस शब्द के रूप बना लेते हैं, ऐसे बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब तुमने क्या खाया, तुमने के लिए बच्चों क्या आएगा त्वम किम, त्वम यहाँ किम ऐसे लगेगा, वो भी मैं समय आने पे बताऊंगी कि कहाँ पर किम ऐसे लगता है कहाँ पे म बनता है। तो किम खाया, खाया के लिए क्या आएगा बच्चों खाया तुमने, अब ये त्वम में है ना, अब हमें मध्यम पुरुष का एक वचन लेना है तो अपठत अपठिता अपठन अपठ, मध्यम पुरुष का क्या बनेगा अपठ तो अखाद अखाद। ओके राइट, अब कन्या ने पुस्तक पढ़ी, कन्या ने तो क्या आएगा कन्या पुस्तकम पढ़ी, पढ़ी यानी लंग लकार और लंग लकार में अपठत
प्रथम पुरुष में है और प्रथम पुरुष में आपने क्या सीखा है? अपठन, पढ़ी है ना, अपठन। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा होगा, देखिए अब हमारे पास अब ये है, ये बच्चों क्या है, अभी आपने सीखा था लंग लकार, ये आपने 11 से लेकर 15 तक क्या सीखे, लंग लकार। अब हमारे ये ऑर्डर वाले हैं, आज्ञा वाले और रिक्वेस्ट वाले, 16 से 20 तक ऑर्डर और गिनती वाले हैं। तो अब हमारा इसमें क्या आ जाएगा, वह लेख लिखे। वह लेख लिखे, अब वह के लिए क्या आएगा, सह लेखम। अब कौशिक कैसे, जब हमारा ऑर्डर होता तो क्या आता है, पठतु पठेताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। तो वह जो है हमारा क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का, प्रथम पुरुष एक वचन ही लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, पठतु पठेत सह लेखम लिखतु, वह लेख को लिखे, वह सब पढ़े, ये भी आज्ञा है। तो वे सब के लिए हमने क्या सीखा है, ते, और ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है और हम प्रथम पुरुष का बहुवचन लगाएंगे, लिखतु लिखेताम लिखन्तु, तो ते लिखन्तु। मेरी बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, वे सब भी बच्चों क्या है, से ते ते ग्रामम ते ग्रामम जाएं। अब जाने को क्या बोलते हैं, गम धातु, तो अब रूप चलाते हैं हम, फिर हम आपको बताते हैं, पठतु पठेताम पठन्तु पठ पठतम पठत, तो पठतु पठेताम पठन्तु, वे सब बहुवचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। समझ रहे हैं, तुम खाना खाओ, ये भी ऑर्डर है, तुम खाना खाओ में ये ऑर्डर है, तो तुम क्या हो जाएगा, तुम भोजनम खाओ, खाओ खाओ के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, तुम भोजनम खाओ, इसमें भी ऑर्डर है, तो तुम मध्यम पुरुष, ये तुम क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन, तो पठतु पठेताम पठन्तु पठ, तो तुम भोजनम खा, मध्यम पुरुष का एक वचन। अब कन्या पुस्तक पढ़े, कन्या कन्या पुस्तकम पढ़े, तो पठतु पठेताम पठन्तु कन्या, एक कन्या प्रथम पुरुष का एक वचन, तो बच्चे यहाँ पे क्या कहो, पठतु, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, अब एक मैंने आपको और सिखाया है वाक्य चाहिए वाला, है ना, मैंने क्या सिखाया, चाहिए वाला, ये सारे सेंटेंस सेम सेंटेंस को मैंने हर लकार में सिखाया है लिखना, है ना। अब उसने के लिए क्या आएगा, स लेखम, है ना, उसे लेख लिखना चाहिए, यानी चाहिए वाला सेंटेंस है क्या, पठेत। अब मैं इसके रूप आपको पढ़ के एक बार बता दूंगी, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयु पठे। तो अब ये देखिए लेखम, अब उसे प्रथम पुरुष एक वचन है, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष में क्या आएगा, लिखेत लिखेत लिखेताम लिखेयु, तो लिखेत, राइट। उन सबको बहुवचन है, ते प्रथम पुरुष का बहुवचन, उन सबको पढ़ना चाहिए। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन क्रिया लगाएंगे हम, तो प्रथम पुरुष की क्रिया बहुवचन क्या होगी, पठेत पठेताम पठेयु, तो पठेयु, क्लियर। उन सबको गांव जाना चाहिए, उन सबको, ते ग्रामम, अब ग्रामम उन सबको
गांव जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो इसके भी रूप चलेंगे कौन से लकार में? चाहिए वाले में, विधिलिंग में, और विधिलिंग में कैसे चलते हैं? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, उन सबको बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन गच्छेयु। तुमको खाना खाना चाहिए, तुमको त्वम भोजनम खाना चाहिए, तुमको भोजन खाना चाहिए। तो मध्यम त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन, तो खाना चाहिए, खाना चाहिए मतलब अब पठ के रूप चलाओ, पठतु सॉरी पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे पठेयु, पठे पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे पठेतम, पठेत, पठे तो खादे, पठे खादे, त्वम भोजनम खादे, राइट। तो कन्या, कन्या के लिए क्या करेंगे? कन्या, कन्या एक प्रथम पुरुष एक वचन है, कन्या पुस्तकम पढ़ना चाहिए, पुस्तकम प्रथम पुरुष एक वचन, तो पठे पठे पठिए, तो पठे, राइट। तो आपने बहुत कुछ सीख लिया बच्चों, मैं सोचती हूँ इरेज करके हम इसको सही लिख लेते हैं, कन्या लिख रहा था हमारा पुस्तकम, इसको सही करते हैं, और ये यहाँ से हमारा ये है कन्या, तो देखिए बच्चों मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको पांच सेंटेंस दिए है ना, और इन पांच सेंटेंसों को मैंने ये वर्तमान काल में सिखाया है ना। आपको मैं बता दूं ये हमारे सारे सेंटेंस जो है वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ये सारे सेंटेंस क्या है, ये सारे सेंटेंस हमारे हैं, ये बच्चों मैं यहाँ से रब करके पुरुष यहाँ लगा देती हूँ ताकि आपको यहाँ ये पुरुष यहाँ लगा देती हूँ ताकि आप है ना, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ये जो हैं सारे, ये आपके किसके हैं? ये आपके हैं भविष्य, ठीक है। वर्तमान को हमने, वर्तमान में हमने कौन सा लकार लगाना है? लट लकार। वर्तमान में हमें क्या लगाना है? लट लकार। भविष्य में हमें क्या लगाना है? रिट लकार। ये आपने सीखे भविष्य का। इसके बाद आपने ये सारे यहां से लेकर आपने ये सीखे, किसके सीखे बच्चों? भूतकाल, जिसे बोलते हैं लंग। सेम एक पांच सेंटेंस को लेके मैंने सारी चीजों को सिखाया है। नेक्स्ट जो आपके पास आप सीख रहे हैं, ये आपने सीखे आज्ञा विनती। बच्चों मैंने आपको सिखाई नहीं है विनती के, जैसे ही आएंगे मैं आपको भी सिखाऊंगी, क्योंकि ये दोनों ये वाले रूप जो है विनती में चलते हैं, और ये इसको इसको बोलते हैं लोट लगा, लोट लगा है ना। नेक्स्ट आ जाइए आप, इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने आपको सिखाए हैं, ये सिखाए मैंने, ये सिखाए आपके चाहिए, चाहिए वाले हमारे कहाँ पे प्रयोग होते हैं? इसको क्या बोलते हैं? विधिलिंग। ओके, तो इस तरह से आपने पांचों लकारों के एक ही पांच सेंटेंस के बीच में मैंने बच्चों ये देखिए पांच सेंटेंस को लेकर के मैंने वर्तमान सिखा दिया, भविष्य सिखा दिया,
फिर इसके बाद भूतकाल सिखा दिया, इसके बाद आज्ञा सिखा दी और फिर मैंने चाहिए क्लियर। तो मैं सोचती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। और मैं आपको फिर बता दूं बच्चों कि ये जो लट लकार के रूप लट, हाँ आपकी हर बुक में आपको लट लकार मिलेगा, लट लकार मिलेगा और भूतकाल मिलेंगे, लंग लकार मिलेगा, लोट लकार मिलेगा और आपको विधिलिंग भी मिलेगा। तो आपको हेल्पिंग बुक चाहिए ही चाहिए, बिना ग्रामर के आप नहीं सीख सकते राइट। तो वो आपके पास मैं सोचती हूँ आपको होगी, आपके हर बुक में आपको मिल जाएंगे ओके। अब ये मैंने वाक्य बनाना आपको सिखा दिए हैं, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम करते हैं अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम का मतलब क्या होता है बच्चे? अशुद्धि संशोधनम का मतलब होता है कि आपके पास सेंटेंस गलत लिखा हुआ है ना, और सेंटेंस गलत लिखे होने के बाद जहां गलत है उसको आपको राइट, वो अंडरलाइन वाले वर्ड्स को आपको राइट करना है, यानी याद देखिए अंडरलाइन वाले वर्ड्स को राइट करना है। अब आपको मैं बताऊं बच्चों ये कैसे देखे जाते हैं और कैसे किए जाते हैं। देखिए दो चीजें होती है आपके पास फिलहाल, अभी बाकी जो है दो चीजें हमारे पास, एक ये करता है और एक ये क्रिया, आपके पास दो चीजें हैं। अभी बीच वाली चीजें उसकी हम बाद में बात करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है राइट। तो अभी हमारे पास ये दो चीजें हैं, एक करता है और एक ये क्रिया है। अगर हमारा अंडरलाइन क्रिया पे है तो हमें कर्ता देखना है ओके, और अगर हमारी अंडरलाइन कर्ता पर है तो हमें क्रिया देखना है। अगर क्रिया गलत है, क्रिया पे अंडरलाइन है, हमें क्रिया सही करनी है, तो इस क्रिया को सही करने के लिए हमें बच्चों क्या देखना पड़ेगा, कर्ता देखना, क्या देखना पड़ेगा, कर्ता देखना पड़ेगा। जो कर्ता जिस पुरुष में लगा हुआ है उसी पुरुष में आपको क्रिया लगानी है। आवाम, आवाम बच्चों आपको पता है, मैं यहां बता दे रही हूं, आवाम ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है ना। ग्रामम, ग्रामम ऐसे भी लिखा जाता है और ग्रामम ऐसे भी लिखा जाता है। समय आने पर मैं आपको बताऊंगी कि कहां पे ऐसे लिखा जाता है और कहां पे अनुसार लगाया जाता है, समय आने पर है ना। जैसे उपवनम ऐसे भी लिखा जाता है और उपवनम ऐसे भी लिखा जाता है, एक ही बात है, लेकिन ये म कहाँ पे लगाया जाता है और ये अनुसार कहाँ पे लगाया जाता है, अभी मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगी जब मुझे लगेगा तो, है ना। तो अब ये देखिए ये आपका ये आवाम भी है, तो अब ये आवाम किसका है, आवाम देखो कौन से पुरुष, एक बार मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ ताकि आप इधर मैं जो लिखवा चुकी हूँ ये देखिए, उत्तम पुरुष बहुवचन, सॉरी उत्तम, उत्तम पुरुष का आवाम जो है द्विवचन, क्या है, उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो हमें क्रिया भी किसकी लगानी है, उत्तम पुरुष की द्विवचन की लगानी है। आप इधर देखो, इधर देखो आपके पास क्रिया किसकी लगी है, बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी हुई है, तो हमें किसकी लगानी है, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगानी है, क्योंकि हमारे पास कर्ता जो है आवाम, क्लियर। तो धावाम है तो इसको कहते हैं पठती पठत पठंती, पठती पठत पठत पठामी पठाव, मत उत्तम पुरुष द्विवचन पठाव होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, धावाम। आवाम, अब मैं यहां लगा देती हूँ आवाम बही, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो खगा वृक्षे पूजति, अब यहाँ पे भी क्रिया गलत है, क्रिया पे अंडरलाइन है, अब हमें इसका क्या देखना पड़ेगा, कर्ता। अब आप ये कर्ता देखो खगाहा, एक वचन होता तो क्या होता बच्चों, खगाहा, ये क्या है, जैसे बालक बालकौ बालकहा, तो खग खगौ खगहा, तो ये हमारा क्या है, बहुवचन है, और क्रिया किसकी लगी हुई है, एक वचन की, पठती एक वचन की, एक वचन की है ना, क्योंकि ये खगा, खगा जो है क्या है आपका, खगा जो है पुल्लिंग का, सॉरी प्रथम पुरुष का बहुवचन,
ओके okay, तो हमें प्रथम पुरुष के बहुवचन के लिए बच्चों यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो पठती पठत पठंती, तो पूजति पूजत पूजंती, तो यहाँ पे क्या आएगा, पूजंती। ठीक है, यहाँ बाकी आप दोनों अपने अपने में लगा लीजिए, खगः वृक्षे। अच्छा एक बात और तुम्हें बच्चों संशोधन का और काम करवाने से पहले मैं आपको एक बात और समझाती हूँ कि बच्चे कई बार ये समझते नहीं है कि कौन सा शब्द किस में, प्रथम पुरुष में जाएगा, मध्यम पुरुष में जाएगा, उत्तम पुरुष में जाएगा। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं, जैसे खगा है, मैम ये कैसे पहचानेंगे कि ये मध्यम पुरुष का है, ये प्रथम पुरुष का है, ये मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का। मैं आपको बच्चों बहुत ओपनली बहुत अच्छी तरीके से बता रही हूँ बात को, एक बारी में समझ जाना कि मध्यम पुरुष में, ये जो मध्यम पुरुष में तुम दो तुम सब, ये क्या है, तुम दो तुम सब, और उत्तम पुरुष में मैं, हम दो हम सब। ये जो छह शब्द हैं इनको छोड़ दीजिए, एक ये त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम, इनको छोड़ करके बाकी दुनिया जहान के जितने शब्द हैं वो सब के सब प्रथम पुरुष में। इसे सुन लो बच्चों, इन दोनों त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम, इन सब को छोड़ करके बाकी दुनिया जहान के जितने भी शब्द होंगे वो किस में आएंगे, प्रथम पुरुष एकवचन में आएगा। मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में सिर्फ त्वम युवाम और युवाम ही आएगा, मतलब तुम दो तुम सब ही आएगा। उत्तम पुरुष में सिर्फ और सिर्फ अहम आवाम वयम ही आएगा, मैं हम दो हम सब। मैं एक बात और बता दूं, इनके पर्यायवाची भी अगर होंगे ना, पर्यायवाची वो भी किस में जाएंगे, प्रथम पुरुष में जाएंगे। तो अगर आपके पास तुम आता है तभी आप मध्यम पुरुष की क्रिया लगाएंगे, द्विवचन की क्रिया लगाएंगे, बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। अगर उत्तम पुरुष का मैं आता है तो क्रिया लगाएंगे, हम दो आता है तो क्रिया लगाएंगे, वयम आता है, हम सब आता है तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगाएंगे। इसके अलावा कहीं भी कोई क्रिया नहीं लगेगी, सारे शब्द किसमें जाएंगे बच्चों, प्रथम पुरुष में जाएंगे। वो पुल्लिंग हो सकते हैं, वो स्त्रीलिंग हो सकते हैं, वो नपुंसकलिंग हो सकते हैं, एक वचन द्वि और बहुवचन तो आपको आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, फिर यहां समझाती हूँ अवहसी। अब ये भी हमारी क्रिया खास गलत है, तो क्रिया के लिए हम क्या करेंगे, अब ये बताओ, गधर्वा, गधर्वा। मैंने आपको क्या कहा था, वहसी, सी जो है मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया लगी हुई है ना, और जबकि हमारे पास गधर्वा आया है, ये हमारा त्वम नहीं आया है, तो गधर्वा है तो ये किस में जाएगा बच्चों, प्रथम पुरुष में जाएगा, और प्रथम पुरुष का गाहा आहा आहा है तो बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। और प्रथम पुरुष बहुवचन में आपने बच्चों क्या सीखा है, प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या लगता है, पठती पठता पठंती, तो हमारे पास क्या आएगा, वहंती। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वहंती, इसका मतलब है गधे वस्तुओं को ढोते हैं। तो हमारे पास त्वम की क्रिया लगी हुई है, हमें किसकी क्रिया लगानी है, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया। क्यों, क्योंकि गधर्वा प्रथम पुरुष बहुवचन, दुनिया जहान की चीजें मैंने कहा है और जिसमें गधर्वा है वो बहुवचन है, वहंती बहुवचन की क्रिया लगी हुई है। बाकी और आप यहाँ लगा लीजिए गधर्वा, वस्तुनी अब ये भी देखिए, ये भ्रमतः, यही क्रिया खला गलत है। अब हम कर्ता पे चलते, कर्ता हमारा क्या है, युवाम, युवाम है ना। अब युवाम पे क्या होता है, मध्यम पुरुष द्विवचन। अब आप रूप देखो, पठती पठत पठंती, पठती पठत पठत पठता पठत है ना। इधर देखिए, फिर आपको ऊपर लेके चलती हूँ, फिर घर दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये मध्यम पुरुष में पठसी पठसी पठता पठत, हमारी कौन सी लगी हुई है, पठत लगा हुआ है ना, हमें कौन सा लगाना है, ये वाला, तो पठत है, विसर्ग वाला लगाना है। तो अब विसर्ग वाला यहाँ देखिए, विसर्ग नहीं है, तो हमें विसर्ग वाला लगाना है, राइट। तो यहाँ आ जाएगा भर, इधर जगह युवाम,
नेक्स्ट आ जाइए पालयामी पालयामी पठामी पठती पठता पठंती पठती पठता पठत पठामी। ये लगा हुआ है उत्तम पुरुष का एकवचन, और जबकि यहाँ पे क्या लगना है बहुवचन, वयम जो है बहुवचन है, अहम अवम वयम, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन। यहाँ पे उत्तम पुरुष की एकवचन की क्रिया लगेगी, तो उत्तम पुरुष की एकवचन की क्रिया क्या हो, बहुवचन की क्रिया क्या होगी बच्चों, पालयामी पालयावा पालयाम, तो यहाँ पे आ जाएगा पालयाम, ठीक है। और ये पालयाम तो बाकी और लिख लेते हैं, वयम खगान पालयाम। क्लियर आ रही है बात बच्चों समझ में? अब देखिए ये भी अंडरलाइन हमारी, ये नयावा है, नयावा मना अहम अश्वम नयावा, मैं न मना नी धातु होता है, और ये नयावा तो मैं घोड़े को ले जा रहा हूँ, है ना, ले जा मैं अहम अहम, और ये नया वह, यहाँ पे नया वह जो है आपका बच्चों, यहाँ पे नया वह जो है क्या है, उत्तम पुरुष का बहु नहीं, उत्तम पुरुष का द्विवचन, पठामी पठावा पठामा, तो पठावह उत्तम पुरुष का द्विवचन, जबकि ये क्या है उत्तम पुरुष का एक वचन, तो हमें क्या लगाना है पठामी, है ना, नवामी नयामी, क्या लगाना है हमारे यहाँ पे क्या लगेगा न या नी, बाकी आप ऐसे कैसे लगा लीजिए अहम अश्वम नया। क्लियर आ रही है बच्चों बात समझ में? नेक्स्ट आ जाइए तो हम भोजनम अखादताम। अब देखिए अब हमारा ये क्रिया कर्ता गलत है, यहाँ पे कर्ता पे अंडरलाइन है, अब यहाँ पे अखादताम, अब हमें क्रिया देखनी है। अब मैं आपको जरा ऊपर एक बार फिर दिखाऊं इसकी लेकर के, मैं देखिए अब ये अब अखादताम, अब यहाँ पे आधा ही लिखा हुआ है, मैं यहाँ पढ़ के बता देती हूँ बच्चों, अपठ अ वाला है यानी लंग लकार है, अपठत अपठेताम ताम यानी अपठत अपठेताम, प्रथम पुरुष का द्विवचन, जबकि यहाँ पे क्रिया कौन सी लगी हुई है मध्यम पुरुष के एकवचन की, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रथम पुरुष की द्विवचन की क्रिया लगाएंगे, तो त्वम की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, प्रथम पुरुष की क्रिया क्या होगी द्विवचन सह तौ तौ भोजन अखादताम। क्लियर अब तत्र बालकः अस्ति, अस्ति माना होता है, अस्ति माना है, और यहाँ पे जो क्रिया लगी हुई है तत्र तो अव्यय है ना, ये इसको इसका कर्ता कौन सा है, ये अस्ति एक वचन है और ये बालका जो है बहुवचन, अब वह बालक हैं, जैसे ये इज है आपको बॉयज है तो क्या लगाना चाहिए आर, तो बहुवचन लगाना चाहिए, तो बालका संति अस्ति इसका संति, जो मैं यहाँ लिख के दिखा दे रही हूँ, एक वचन क्या होता है अस्ति, द्विवचन होता है इसतः, और बहुवचन होता है संति, तो अस्ति इसका संति संति, तो हमारा हमारा क्या लगा हुआ है यहाँ पे अस्ति लगा हुआ है, जबकि हमें क्या लगाना है बहुवचन का लगाना है, तो क्या आएगा संति, तो आ जाएगा यहाँ पे हम लगाते हैं संति, और इससे पहले हम लगा देते हैं तत्र बाल कहा। नेक्स्ट चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम सह विद्यालयम गच्छन्ति, ये क्रिया गलत है, क्रिया गलत है, गच्छन्ति अन्ति बहुवचन है, पठन्ति और ये क्या है एक वचन है, तो क्या हो जाएगा ये बहुवचन बनेगा सह तौ ते, अब देखिए यहाँ पे ते बनेगा, कैसे हमने पहचाना कि अब यहाँ ध्यान दो, अब ऊपर लेके चलूं आपको मैं थोड़ा सा, देखिए हमने कैसे पहचाना कि ते बहुवचन, तो देखिए ते भी है ता भी है तानी भी है, हमने कैसे पहचाना कि ये ते लगेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स आया है, इधर देखिए आपके पास स आया है, और स हमारे स के स का बहुवचन क्या है ते, इससे अगर यहाँ पे सा आता हमारा तो हम ता लगाते, तत आता तो तानी लगाते, राइट,
तो इस तरह से हम आगे चलते हैं, आगे चलिए चलिए, आगे चलकर के हम देखते हैं, ते विद्यालयम। गच्छति। बच्चों ये देखो, ध्यान दो, हमें इसको क्रिया बदलनी है, हमें ये नहीं बदलना, सह नहीं बदलना, सह तो हमारे लिए बच्चों में रखा ही हुआ है। हमने गलती कर ली, हमने क्रिया कर्ता बदल दिया, हमें कर्ता नहीं बदलना था, हमें क्या बदलनी थी, हमें क्रिया बदलनी थी। तो सह का तो सही रहेगा, क्यों क्रिया कर्ता बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, इसका हम एक वचन बना देंगे, सह है तो एक वचन बना देंगे, क्या है। अब बालिका हंसी शकी, अब इसमें भी देखो क्रिया गलत है, यहाँ बहुवचन है और यहाँ पे एक वचन से लगी हुई क्रिया, तो पठती पठता पठन, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, तो हंसिष्यति हंसिष्यन्ति होगा, तो बालिका हंसी शयन। देखो बच्चों एक बात और सिखा रही हूँ, दो मेरे पास डाउट्स आए थे, बहुत अच्छे डाउट्स पूछे थे, और शायद सोचते हैं बहुत से बच्चों को ये डाउट्स भी रहते होंगे कि क्या डाउट्स थे उनके। उन्होंने एक बार बच्चे ने मुझे एक डाउट लेकर कहा कि मैम आप बोलते हैं कि जहाँ पे विसर्ग होते हैं वो फोल्डिंग होता है ना, पर ये तो स्त्रीलिंग है, पर आप ये ध्यान दो स्त्रीलिंग का बहुवचन में विसर्ग रहता है, बालिका बालिके बालिका, ये एक वचन नहीं है बच्चों, एक वचन होता तो सिर्फ क्या होता बालिका, क्यों क्योंकि स्त्रीलिंग है। अब ये बालिका स्त्रीलिंग का बहुवचन है इसलिए ये बालिका है, हमेशा ध्यान रखिए अगर स्त्रीलिंग में कहीं विसर्ग आते हैं तो क्या वो बहुवचन तो नहीं है, वो बहुवचन ही होगा, एक वचन में तो विसर्ग आते ही नहीं है, समझ रहे मेरी बात। अब जैसे ये बाला स्त्रीलिंग है एक वचन है तो ये क्या होगा, ये आपके विसर्ग नहीं होंगे, पर अब देखो ये इन्होंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, यहाँ अंडरलाइन किया और यहाँ क्रिया किसकी लगी हुई है, बहुवचन की, खादंती पठती पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, तो यहाँ पे क्रिया किसकी लगी हुई है बच्चों, खादिष्यन्ति बहुवचन की, लेकिन यहाँ पे एक वचन लगा हुआ है, तो इसको अब हमें बहुवचन बनाना पड़ेगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन, बाला बाले बालहा, तो हमने इसको बहुवचन बना लिया बाला बालहा, है ना, खादि यंति। ओके अब यूयम पाठम अस्मरत, यूयम यूयम बताओ बच्चों, यूयम को सही करना हमें, और अस्मृतम अस्मृतम, अब ये देखिए अ है मतलब लंग लकार है ना, लंग लकार में अब रूप पढ़ो, रूप पढ़ते हैं, अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठतम अपठतम अस्मृतम, है ना। अब ये द्विवचन का अस्मृतम, अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन है, जबकि ये क्या है मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, मध्यम पुरुष का द्विवचन लगाना है यहाँ, है ना, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन, यहाँ हमें अंडरलाइन को सही करना है, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या होगा बच्चों, त्वम युवाम, यहाँ पे क्या आएगा युवाम, युवाम पाठम अस्मृतम, अस्मृतम तो ये बहुवचन है, अपठत दे फिर से मैं आपको पढ़ के बता दे रही, अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठा व पठाम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अस्मृत,
मध्यम पुरुष का द्विवचन, और यहाँ पे हमें मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या होगा, यूना। क्लियर, नेक्स्ट आ जाइए। अब इसके बाद हमारे पास सा पाठम अस्मिताम, सा पाठम अस्मिताम ताम, यानी अब ये कौन सा है, स्मृताम, ये विदिलिंग, विदिलिंग में पठेत पठेताम पठेयु है ना, पठेताम ताम, और जबकि कर्ता इसका क्या है, इसका कर्ता है एक, इसका कर्ता है एक वचन है ना, तो स्मृताम नहीं होगा, अपठे नहीं सॉरी पठेत, तो स्मृत 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 आपका आ जाएगा यहाँ पे स्मृत। एक वचन लगेगा तो आप आ जाएगा सा पाठम स्मरित, राइट। सह यहाँ पे है सह तत्र स्थास्यन्ति, स्थास्यन्ति है ना, अब ये कौन सा है विदिलिंग, सॉरी विदिलिंग नहीं, ये रिट लगा भविष्य का, अब स्थास्यन्ति वह वहां बैठेगा, स्थास्यन्ति मतलब बैठेगा, तो स्थास्यन्ति बहुवचन है जबकि ये क्या है एक वचन का, तो हमें यहाँ क्या क्या बनाना पड़ेगा एक वचन का, तो आ जाएगा यहाँ पे स्थास्यति, क्यों तो हमने स्थास्यति बनाया, क्योंकि ये सह है, इसका कर्ता क्या है सह, सह तत्व। वयम अहसम, अब ये देखिए वयम इसको सही करना है, अहसम, अहसम क्या है लंगलकार, लंग लगा के रूप पढ़ के मैं बताती हूँ, अपठत अपठितम अपठन अपट अपठतम, फिर से सुनो, अपठत अपठितम अपठन अपट अपठतम अपठत अपठम अपठम, इसमें क्या है मध्यम उत्तम पुरुष का एक वचन अप अह अहसम, और ये क्या है उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो हमें यहाँ पे क्रिया किसकी लगानी पड़ेगी उत्तम पुरुष के बहुवचन की, तो अहस हसम की जगह अहसम अहसाम अहसाम है ना, अहसाम यहाँ पे लगा दो गया, तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे बच्चों, मैंने आपको अच्छी प्रैक्टिस करवा दी है, और अच्छी प्रैक्टिस मैं सोचती हूँ हो भी गई होगी, बाकी इस तरह की आप अपनी प्रैक्टिस सारे जहां जहां देखिए हमें, अब मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा देती हूँ बच्चों, शुद्धि संशोधन में हमें क्या देखना होता है, दो चीजें होती हैं, कर्ता और क्रिया, अभी फिलहाल के लिए, आगे बाकी जब मैं सिखाऊंगी तब आपको बताऊंगी, अभी फिलहाल आपके पास कर्ता और क्रिया है, अगर अंडरलाइन, अगर आपको क्रिया से जो अंडरलाइन शब्द होते हैं उसे सही करना होता है, जो अगर आपको क्रिया सही करने के लिए बोलते हैं तो बच्चे सीधे से आप उसको कर्ता दो, कर्ता कौन से पुरुष में है उसी पुरुष की क्रिया लगा दो, है ना, ये कर्ता जिस पुरुष की क्रिया करता होगा वो उसकी क्रिया लगेगी, और जहां पर इधर देखो जहां पर आपको कर्ता सही करना है उसकी क्रिया देखो किस पुरुष की क्रिया लगी हुई है, पुरुष और किस पुरुष और किस वचन की क्रिया लगी हुई है वो पुरुष और वचन यहाँ है, राइट, इस तरह से करते हैं। एक आपके पास ये आया था अलग से, ये अस्थि स्थ संति था, इसके रूप मैंने बताया अस्थि एक वचन होता है, इसका द्विवचन होता है, संति दो वचन होता है, और जबकि यहाँ पे जो कपाल का था इसलिए ठीक है, तो आपको मैं सोचती हूँ बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी, और इस तरह से मैंने आपको इधर ऊपर भी मैंने आपको पांचों लकारों को मैंने एक ही पांच सेंटेंस लेकर आपको समझाया है। बच्चों एक बात और मैं बता दूं कि मैंने आपको सारे रूप ये नहीं लिखे, सिर्फ लट लकार का लिख दिया, इस तरह से पांचों लकार आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, और पांचों देख सकते हो, फिर मैं आपको बता दे रही हूँ बच्चों ये सह तव तत् एक ही पुरुष ऐसा है जिसमें सह पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होता है, बाकी त्वम और अहम होता है ना, ये प्रथम पुरुष के साथ जुड़ता है, मध्यम पुरुष के साथ जुड़ता है, और उत्तम पुरुष के साथ जुड़ता है, ये हमारा ज्ञान है ना। अब एक बात और बता दूं, फिर मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बच्चे गलतियां करते हैं, त्वम युवा युयम अगर आएगा तो हम ये वाली लाइन लगाएंगे, इसके अलावा किसी में भी नहीं लगेगी, अहम आवाम वयम ही आएगा तो हम पठानी पठावा पठावा लगाएंगे, ये वाली लाइन लगाएंगे,
इसके अलावा इसके पर्यायवाची भी अगर आते हैं तो हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। सारे दुनिया जहान के जितने भी कर्ता होते हैं वो सब प्रथम पुरुष में होते हैं। प्रथम पुरुष का वो प्रथम पुरुष में आते हैं। प्रथम पुरुष का वो बच्चों पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और नपुंसक लिंग भी हो सकता है। हमें उसी के हिसाब से कर्ता लगाना होता है। पुल्लिंग का होता है तो तव ते लगाना होता है, तव ते लगाना होता है। अगर वो स्त्रीलिंग का होता है तो साते ता लगाना होता है। अगर नपुंसक लिंग का होता है तो तत्ते ता। राइट, तो बच्चों मैंने आज आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा दी है। मैं समझती हूँ बाकी आप अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद भी मैं आपसे कहती हूँ कि कहीं आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही हो तो आप मेरे नीचे वीडियो के नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया होता है, आप उस कॉन्टेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे से चैट कर सकते हैं, कुछ कहीं से भी पूछ सकते हैं। आप अपने डाउट्स लेकर आइए, मैं आपके तहे दिल से आपके डाउट्स को उठाऊंगी और आपकी डाउट्स को क्लियर करूंगी। राइट, मेरा मकसद है बच्चों को अच्छी संस्कृत नॉलेज देना, अच्छा ज्ञान देना। और कोई भी बच्चों टेंथ क्लास में आ गए अगर रटोगे तो कभी भी पार नहीं पा पाओगे, कभी भी अच्छे नंबर नहीं ले पाओगे। हमेशा रटने के बजाय आप फोकस बनाओ, आप बात को समझो। ये जिस तरह से मैथ्स रटी नहीं जाती है समझी जाती है, उसी तरह से संस्कृत भी है कि समझी जाती है। जो नियम होता है उस नियम का पालन करना होता है। राइट, और मैं आपको बच्चों फिर बताना चाहती हूँ कि पूरे साल अगर मेरे से कोई जुड़ना चाहता है तो हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। टेंथ नाइन्थ और टेंथ का कोर्स कंप्लीट कराते हैं, समय पे कोर्स कंप्लीट करा देते हैं। लगभग नवंबर के मिड तक हम कोर्स कंप्लीट करा देते हैं और कोर्स कंप्लीट कराने के बाद हम टेंथ में प्रैक्टिस बुक प्रैक्टिस करवाते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के प्रैक्टिस होते हैं उनको करवाते हैं। और पूरे साल हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। वन वीक में एक ऑनलाइन क्लासेस एक लाइव क्लासेस भी लेते हैं और आप हमारे से जुड़ सकते हैं। आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास दिया हुआ है। हमारा छोटे से मिनिमम अमाउंट पे हम ये क्लासेस देते हैं आपको, आप जुड़कर हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। राइट, और एक बच्चे चलते चलते आपसे क्लास फिनिश करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट फिर करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट भी करूँगी, ऑर्डर भी करना चाहती हूँ। और बच्चे मैं चाहती हूँ कि आप मेरी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और अपने नियर एंड डियर से डिस्कस करें मेरी क्लासेस को लेकर और शेयर करें। राइट, तो क्लास को यहीं पर फिनिश करती हूँ और नेक्स्ट में आपके पास क्या लेकर आऊंगी, कर्म। क्यों, मैंने बीच में आधे टॉपिक के बाद यानी 6 टॉपिक सिखा दिए थे। कौन कौन से 6 टॉपिक सिखा दिए थे मैंने मैंने सिखाए थे सिखा चुकी हूँ मैं आपको। सबसे पहले लिंग, फिर वचन, फिर काल, फिर मैंने सिखाया संज्ञा, नेक्स्ट संज्ञा और नेक्स्ट क्रिया। सिखाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आगे के टॉपिक्स मैं बात भी कराऊँ, एक बार आपको प्रैक्टिस करवा दूँ, जो क्वेश्चन जो चैप्टर्स हम लेके चले उनमें चैप्टर्स की प्रैक्टिस करवा दूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास आएगा कर्म और विभक्ति आएंगे, तो कर्म और कारक आएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी और मैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट क्लास लेकर आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।